अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम लाल जूलॉजिस्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिलेबस ऑफ इंटर बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट होम्योस्टेसिस। सो बेसिकली होम्योस्टेसिस चैप्टर नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लफ्स जो वर्ड होम्योस्टेसिस है वो कॉम्बिनेशन है एक होम्यो, होम्यो का मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग। स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग एंड होम्यो मीन्स सेम। ये बेसिकली एक हम होम्योस्टेसिस वर्ड्स को हम तोड़ते हैं तो होम्यो का मतलब है सेम एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। इट मीन्स अगर सेम स्टैंडिंग कैसे, अब आप देखें होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन जब करते हैं तो अब एक सिंपल हम देखें, एक तो है हमारा बॉडी की इंटरनल कंडीशन, एक यानी बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट, ठीक है, एक बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये एक दो एनवायरनमेंट हो गए, एक हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा जो बाहर का, ठीक है। अब होम्योस्टेसिस जो है ये एक यानी रिलेशन है, एक ताल्लुक है, रिलेशन है किसके दरमियान, किसके बीच में, एक हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर बॉडी के अंदर, यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जितने भी यहाँ पे जमींदार चीज़ें हैं, एक उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल, इनके आपस में दोनों का रिलेशन जो है, इस रिलेशन का नाम है होम्योस्टेसिस। एक डेफिनेशन ये है सिंपल, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेटेड मेंटेन्ड, दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब हमारी बॉडी का जो इसे इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट में जैसे कि ब्लड वॉल्यूम, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वॉट एवर जितनी भी चीज़ें आती हैं, ये क्या है कि एक मेंटेन है, रेगुलेटेड है। आप देखें आपकी अपनी ज़िंदगी में अगर ज़्यादा खुशी है तो वो भी ख़राब है, अगर ज़्यादा गम होगा ज़िंदगी में तो फिर भी ख़राब है, ज़्यादा गम होगा तो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, एंजाइटी मुख्तलिफ बीमारी में मुबतला हो जाएगा, ज़्यादा खुशी होगी वो भी ख़राब। तो यानी एक हद तक बैलेंस होना ज़रूरी है खुशी गम, इस तरह से होम्योस्टेसिस जो है वो एक बैलेंस है, रेगुलेटर है, चीज़ों का ना तो ज़्यादा बढ़ना ना कम होना, एक लेवल तक काम करना, यानी एक लेवल तक, एक हद तक जो चीज़ें कॉन्स्टेंट। मिसाल तौर के आप देखें ग्लूकोज लेवल है या ब्लड प्रेशर है, फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज लेवल है 18 से लेकर 110 तक फास्टिंग में, ये आप देखें जब आप खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब मिसाल आपको खाना नहीं मिलता, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो ये एक कम होता है उस चीज़ को भी ऊपर लेके आ रही है बॉडी, यानी एक लेवल तक, और ज़्यादा होता है तो उनको भी कम, यानी एक लेवल तक, हद तक जो चीज़ें बढ़ रही हैं उनको नीचे की तरफ, जो नीचे कम हो रही हैं उनको भी ऊपर की तरफ, यानी एक लेवल तक, एक कॉन्स्टेंट लेवल तक, एक बैलेंस लेवल तक बॉडी हमारी क्या है उनको लेके आ रही है और बैलेंस रख रही है, रेगुलेटेड रख रही है। इसलिए क्या है कि हम कहते हैं कि ये इट मीन्स क्या रेगुलेटेड ऑफ होम्योस्टेसिस। रेगुलेटेड मीन्स क्या ये चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में बैलेंस है, एक कॉन्स्टेंट लेवल तक हैं, तो इसी का ही नाम है होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो सिंपल है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब इनको सबको मैंने एक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन एक लफ्ज में मैंने होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया है। मैं कहता हूँ होम्योस्टेसिस क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी क्या है कि हमारे बॉडी की जो
कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है आप देखिए जैसे तराजू है, तराजू है एक केजी इधर केजी इस तरफ, ठीक है राइट लेफ्ट, तो वो बैलेंस हो जाती है, तो हम इट मींस के इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी भी एक क्या है, वो बॉडी की कंडीशन, वो बॉडी की स्टेट जो एक इक्विलिब्रियम है, तो इसी को हम क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस। मिसाल तौर आप देखिए ये हाथ है ये भी हाथ है, दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं, दोनों आइस इक्वल नज़र आ रही, दोनों कान इक्वल नज़र आ रहे हैं। इस तरह से हमारी बॉडी की जो भी ऑर्गन्स की जो फंक्शंस हैं वो भी एक लेवल तक इक्विलिब्रियम स्टेट है, बॉडी के जितने भी फंक्शंस, तो इसी को हम क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, अब हमने डेफिनेशंस कुछ लिखी हैं। द मैकेनिज्म इन विच इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। यानी कि बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है ना, बॉडी की वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, रेगुलेटेड रहे, ऐसी को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं, इंटरनल कंडीशन का या इंटरनल एनवायरनमेंट का। सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द बॉडी। यानी होमियोस्टेसिस क्या है, स्टेट है इक्विलिब्रियम फॉर द बॉडी। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास, होमियोस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी या सेल टू सीक एंड मेंटेन अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट व्हेन डीलिंग विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए क्या है इसमें, ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि हमारे बॉडी के सेलों में एक ऐसी एबिलिटी है कि वो क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बुनियाद पे वो क्या है कि डील करते हैं, यानी इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम के तौर पे मेंटेन रखते हैं। और मिसाल तो सेल के अंदर फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल सेल का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो सेल का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या है, एक बैलेंस है। अगर ज़्यादा हो गया तो सेल ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, अगर कम हो जाएगा सुकड़ जाएगी, ठीक है श्रिंकिंग हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, वो जो है वॉल्यूम है सेल का, इंटरनल फ्लूइड है, वो बैलेंस रहता है। तो बैलेंस रहता है ना, तो अब देखिए ये क्या है, सेल के अंदर एबिलिटी है कि वो मेंटेन कर रहा है अपना फ्लूइड, ठीक है, और अपनी इंटरनल कंडीशन जो है उसको क्या है, सेल जो है बैलेंस रख रहा है, मेंटेन कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यों। अब देख मिसाल तौर फॉर एग्जांपल कहें, इंटरनल कंडीशन इक्विलिब्रियम रहनी व्हेन डीलिंग विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी एक्सटर्नल मिसाल तौर पे आप देखिए ड्राफ्ट कंडीशन है, आप थर के अंदर चले जाते हो, डिजर्ट एरिया के अंदर जब चले जाते हो आप, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत है, तो वो पौधे जो हैं वो मेंटेन रख रहे हैं अपना, यानी उन्होंने क्या है कि डील किया है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अगर अब जून जुलाई का मौसम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब भी क्या हमारी बॉडी जो है इंटरनल फ्लूइड जो इंटरनल कंडीशन को बैलेंस कर रही है। यानी इस डेफिनेशन से इस तो हमें ये मालूम होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेस पे क्या है, वो रेगुलेटर रख रही है इंटरनल एनवायरनमेंट को, बैलेंस रख रही है इक्विलिब्रियम को, इसी को हम क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो सिंपल मैंने आपको पहले ही बताया था कि होमियोस्टेसिस जो है सिंपल रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सिंपल इसी को हम क्या कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो ये आज का जो टॉपिक था सिंपल होमियोस्टेसिस। थैंक यू सो मच।